agriculture guru. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गुरु चैनल में। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि पहले भी IBPS SO के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तथा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि IBPS SO के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन किस क्रॉप का है? राइस का। C3 प्लांट इनमें से कौन सा है? तो इनमें से वीट, ब्लैक ग्राम एंड मूंग है। इसके अलावा राइस, कॉटन, सोयाबीन भी C3 प्लांट है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC की स्थापना कब हुई? 1963 में। प्लांट की ग्रोथ को कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो यह है कैस्कोग्राफ के द्वारा। इंडिया में फॉरेस्ट का नेशनल इनकम में कितने परसेंट योगदान है? 2%। सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड क्रॉप का। एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज, एग्रीकल्चर आर्ट भी है, साइंस है एंड बिजनेस है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमी, ऑल ऑफ दीज। एग्रोनॉमी शब्द बना है ग्रीक भाषा से। एग्रीकल्चर शब्द बना है लैटिन भाषा से। ICR की स्थापना कब हुई? 1929 को। स्टेपल फूड ऑफ इंडिया राइस। इनमें से मेडिसिनल प्लांट कौन सा है? पोस्त। खरीफ सीजन की क्रॉप का एग्जाम्पल है मेज। इनमें से एक्सोटिक क्रॉप कौन सी है? पोटैटो, तंबाकू एंड मेज। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1960। IRRI कहाँ पर स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन। एग्रोनॉमी इज ए एग्रोनॉमी आर्ट एंड साइंस। फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पीटर डी क्रेसेंजी। द सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में स्थित है। द हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड बाय ICAR। सबसे ज़्यादा शुगर कैन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है? यह तमिलनाडु। तमिलनाडु में 701 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। शुगर बीट इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन यूरोप। द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ वीट पर हेक्टेयर पंजाब। वो इंट्रोड्यूस्ड द तंबाकू कल्टिवेशन इन इंडिया। पोर्टुगेसी मर्चेंट्स। विच ग्रेन इज सैड टू बी पुअर मैन एज फूड? रागी। During last 3 years, which export item has earned maximum foreign exchange for India? Jute. Which of the following does not belong the same category? तो यह है तंबाकू, क्योंकि कॉटन, जूट और पटसन रेशे वाली क्रॉप है। Salt tolerant crop is sugar beet.